साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार। साथियों, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे छोटा स्नैक आज हम दिखलाने जा रहे हैं, जिसके प्रति लोगों का सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है। तो साथियों, वीडियो का आखिरी तक बने रहें। साथियों, जब आप सेल्फी लेते हैं या फोटो खिंचवाते हैं, तो एक पल के लिए या एक सेकंड के लिए चेहरे पर मुस्कान लगा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका फोटो खूबसूरत आ सके। तो आप समझ लीजिए कि एक सेकंड मुस्कान रखने से फोटो खूबसूरत हो सकता है। तो साथियों, भाइयों, चेहरे पर सदा मुस्कान रखने से ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, आपका वक्त कितना खूबसूरत हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो साथियों, फ्री हैंडलिंग ना करें। दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे छोटा सांप हमारे पास आ चुका है और हमारे ही पॉकेट में है। सांप पॉकेट में ही कहीं पर लगता है। नहीं नहीं नहीं, कहीं पर गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, शायद यहीं छुपा हुआ है। साथियों, यहां है सांप, हमारे जूते में आ गया है। तो जूता बाद में हम पहन लेंगे। तो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे छोटा सांप वार्म स्नैक कहां है, क्या नाम है सर? वार्म स्नैक, इसे हम वार्म स्नैक के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और ब्लैक कलर में ये होता है। कल लेट नाइट हमने इसे रेस्क्यू किया था। हिंदी में इसे तेलिया सांप के नाम से भी जानते हैं। तेलिया सांप एक ऐसा सांप होता है, लोग इसे मार डालते हैं और इसे जला भी देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। तो आप देख रहे हैं हमारे हाथ में वार्म स्नैक। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। काफ़ी फुर्ती होता है इस सांप में, तो हम चाहेंगे कि आज ही से प्राकृतिक परिवेश में रिलीज कर देना। तो साथियों, ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इंतहा अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, आगे अभी सारा आसमां बाकी है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी अंदर आत्मा कहे वो कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें और हमें इस काम पर सहयोग करें। लोगों को एक दूसरे से शेयर करें हमारे वीडियो की, ताकि लोग इसे मारे नहीं। जिस तरह धीरे धीरे सांप विलुप्त के कगार में है, तो जितने भी रूरल क्षेत्र के लोग हैं इसे मार डालते हैं, तो इसे मारे नहीं, इसे बचाने का प्रयास करें। तो साथियों, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, नारी को सम्मान दीजिए। और हमारा खुद का मानना है कि दिन भर में कम से कम दो चार आदमी को हंसाइए और खुद हंसिए, यही जीने का असली कला है। बहुत सारे लोग हमें जोकड़ समझते हैं, अब उनकी अपनी मानसिकता है कि मुबारक जी तरह तरह का टोपी और चश्मा लगाते हैं। तो ये हमारा सजने और सवरने का अपना शौक है। आप भी सजो और दूसरे को भी सजाने में सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, स्वच्छता की ओर एक कदम, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।